लंच भी हो गया, आराम भी हो गया, अब निकलना है भाई इस काम के लिए। काफ़ी स्टीप है यहाँ से चढ़ाई जुड़ा के तरफ से, और यहाँ से पूरा अब धूप ही चली गई है, तो जब बिल्कुल ज़रा जैसी लग रही धूप की, अब धूप ही नहीं है, पूरा जंगल है। अब बेस कैंप पे बस पहुंचने वाले हैं, कुछ शायद एक आधे किलोमीटर, आधा एक किलोमीटर बचा है बस। ऐसे बहुत सारे कैंप्स लगे हुए नीचे, उस तरह बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जितने भी हैं सारे कैंप्स हैं, तो जितनी भी कंपनीज ये ट्रैक करवाती हैं तो उन्हीं के सारे कैंप्स लगे हुए हैं। हमें यहाँ से भी ऊपर जाना है, तो बेस कैंप थोड़ा और ऊपर है। अच्छा, ये पूरा इलाका बेस कैंप है, तो ये पूरा इलाका बेस कैंप है। फाइनली हम पहुंच गए हैं केदार घंटा बेस। हाँ, यहाँ पे ये बेस पूरा बुग्याल है कुछ ऐसा। तो हम कुछ 5.5 घंटे में पहुंचे हैं ऊपर, और अब थोड़ी थोड़ी सी थकान मिट रही है क्योंकि अच्छा लग रहा है कि बेस कैंप पहुंच गए। तो अपना कैंप भी हो गया सेट, एपी चौला येलो वाला कैंप अपना ही है। और यहाँ पे जैसे जैसे धूप जा रही है ना, जहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हो रहा हूँ और वहाँ पे धूप नहीं आ रही है, तो वहाँ ठंड लग रही है। जितनी जगह धूप है वहाँ पे थोड़ा गर्म लग रहा है। बाकी यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, ये सारी पीक्स हैं जो दिख रही हैं, उस तरफ भी हैं कुछ पीक्स, और ये अपनी कैंप साइट है। तो ये अपना टेंट है जहाँ पे मैं आज रुकने वाला हूँ रात को, और जो अपने टेंट से सामने का जो व्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये वाला व्यू दिख रहा है, इसे बंद करेंगे वन नहीं कर रहा, बट यहाँ से हवा बहुत तेज़ आ रही है, तो मैं इसको बंद करने वाला हूँ। इसके बाद बाहर बैठकर थोड़ी देर आग से की और डिनर किया। अभी अपना डिनर विनर सब हो गया है और अब हम सब लोग सोने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ तो है नहीं, तो अब हमारा जो प्लान बन रहा है वो ये है कि हम सुबह सुबह 2 बजे निकलेंगे और सनराइज देखना है, तो इसलिए हम जल्दी सो रहे हैं। अभी कुछ 9 बज रहे हैं तो हम सोने जा रहे हैं, और फिर सुबह 2 बजे उठना है ताकि हम जल्दी 6 बजे से पहले पहुँच जाए समिट तक और सनराइज देखें। तो फिर गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। अभी हम केदार घंटा बेस कैंप से निकल रहे हैं समिट के लिए। अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं, मतलब तो करीब 3 बजे तक हम निकल जाएंगे नाश्ता वाश्ता करके। कुछ लोग उठ भी गए हैं। तो अभी नाश्ते में दलिया है, ब्लैक टी इसमें कॉम्प्लेक्स है, और उसमें शायद दूध है, तो नाश्ता ही करना है, ये काफ़ी अच्छा। और अपनी पूरी टीम निकल गई है समिट के लिए। तो ये रास्ते में ना हम लोग यहाँ से शॉर्टकट ले रहे हैं, तो ये वाला जो रास्ता है इसमें पूरी बर्फ़ जमी हुई है, ये सारा पाला है, यहाँ पे शायद धूप ही नहीं पड़ती इस वजह से काफ़ी लोग आ रहे हैं पीछे से, तो हमें बाकी ग्रुप के लोग भी मिल रहे हैं। टाइम क्या रहा है? 4:30 हो रहा है शायद। ये टी पॉइंट है 2 किलोमीटर ना, तो अभी 4:10 हो रहा है, हम लोग 3:30 में निकले थे बेस कैंप से, करीब मैंने 40 मिनट्स में 2 किलोमीटर कर लिए, काफ़ी चला। और यहाँ से 2 किलोमीटर और बचा है। अब मिलते नहीं हमको, तो बड़ा पूरा दिन मिलती है, इसलिए जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं ना। ये चीज़ें Thank you.
तो हम पहुंच गए यहाँ पे टॉप पे, हाँ एग्जैक्टली एट 5:28। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड आ रहा है, मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है, पर मज़ा बहुत आ रहा है। फाइनली 11 घंटा हो गया, अभी बस सनराइज का वेट कर रहा है। साढ़े 5 बजे पहुँच गए थे हम लोग, और तब से इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो जब ये सूरज की जैसे ही सन आउट हुआ ना, उसके बाद से इतना अच्छा लग रहा है, तो हाथ बिल्कुल सूज गए मेरे, उंगलियाँ सूज गई, मोटी मोटी हो गई हैं ठंड से, ग्लव्स लाना भूल गया था, बट मज़ा बहुत आ रहा है। तो बिल्कुल टॉप पर हैं, और यहाँ से जो व्यू है उसके क्या ही कह रहे हैं। सुबह जो हम 3 बजे निकले थे ना, वो निकलना वर्थ इट था, मजा सा आ गया। तो अब हमारी वापसी हो रही है, यहां से लास्ट टाइम देख लो, ये है केदारगंट, ये था समिट, बाकी पूरी वैली सिर्फ बर्फ़ पहाड़ों से घिरी हुई है, मज़ा ही आ गया।